दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे बोरिंग ब्लॉग्स में। आई होप दोस्तों आपको ये मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। और ये भी है आस पड़ोस नज़दीक का ब्लॉग, आई होप आप जगह देखे तो समझ गए होंगे कहाँ पर हम खड़े हैं। अभी सब तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको एक बार फिर से। ये दोस्तों कुल्लू की गलियाँ, जो भी दुशहरे के बाद थोड़ी खाली खाली सी हो गई है। अब पब्लिक भी ज़्यादा नहीं है, अब तो शहर में अब आराम से घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शॉपिंग शॉपिंग करिए अपना जो भी बढ़िया है। यहाँ से नीचे की और इन वाली गली में दोस्तों मैं आपको ले चुका हूँ पहले आई थिंक। और ये छोटा सा क्यूट बच्चा, अरे यार डरने की एक्टिंग कर रहा है, डराने की एक्टिंग कर रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या चल रहा है। तो दोस्तों इन गलियों में एक बार फिर से कुल्लू ब्लॉग शुरू करते हुए इस बार पूरा कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे, पूरे रोड से चलने का। तो ये यूट्यूब ब्लॉग वाली ज़िंदगी ऐसी होती है कि एक बार वीडियोस ब्लॉग ब्लॉगिंग का चस्का पड़ गया तो फिर आप मतलब के फ्री नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अपने साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल, बिजी हैं बट चलो कुछ ना कोई नया अपडेट होता रहता है, ये ज़रूरी है। बाकी दुशहरा दोस्तों आप सबने देखा ही होगा मेरे साथ, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद भी आए होंगे। तो अगली बार दोस्तों आप सबसे मिलना होगा कुल्लू दुशहरे में ही अगर आप आते हैं। और जो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं, अभी तो मैं सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ और ऐसा नहीं है, जल्दी ही। इस बार का दोस्तों ये रहा कि हमारे पीके भाई हमें थोड़ा मिले नहीं ब्लॉग में, नहीं तो भी आते हमारे साथ में, एक्चुअल में थोड़ा बिजी रहे वो, तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में उनको लेकर आएंगे एक बार ज़रूर आपके सबके बीच में। मिस तो हमें पीके भाई, नवीन भाई, जो भी हमारे खास मित्र सभी को याद किया है दशहरे में। और इस वक्त कुल्लू में धूप भी ज़बरदस्त है और एकदम से कई बार वीडियो बनाते समय कोई एकदम से सामने आ जाता है। और ये दोस्तों बचपना, जब हम बचपन में होते तो मस्त लाइफ होती है, सुबह से खेलने जाओ और शाम तक खेलते रहो। तो दोस्तों कुल्लू मार्केट आपकी यहाँ से शुरू भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। इस बार मैंने दूसरा रास्ता लिया दोस्तों, मैंने कहा जो लोअर ढालपुर का दूसरा रास्ता है यहाँ से हम काफ़ी बार आ चुके हैं, थोड़ा इस साइड भी ब्लॉग बना देते हैं। आई थिंक मुझे कॉल आ रहा दोस्तों, बाकी दोस्तों ये वाली मार्केट का ब्लॉग तो कल मैंने बनाया था, यहीं सब्जी मार्केट तक हम आए थे और उसके बाद मैंने ब्लॉग को एंड किया था, बट इस बार हम थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ से। ये भी दोस्तों यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से नीचे तक जितने भी है। और ये दोस्तों कुल्लू में मतलब कि पहले से ही रहती है मार्केट्स जो भी हैं, क्योंकि दुशहरे में कुछ टेम्परेरी मार्केट्स लगती हैं बट ये सारी आपकी यहीं पे हैं, यहाँ पर आप कभी भी शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा जल्दी में है दोस्तों हम, और यहाँ से दोस्तों अंदर को जो रास्ता जाएगा वो आपका कुल्लू बस स्टैंड की ओर जाएगा, बट हम अभी हम बस स्टैंड ही जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ और जगह लेके चलते हैं। ये दोस्तों बस स्टैंड वाली बिल्डिंग है और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं। यहीं पे पीछे दोस्तों एक शॉप थी जहाँ पर अपना दोस्त पहले काम किया करता था, अब तो बंदा सरकारी हो गया है। ब्लॉग में उसका नाम ले लूँगा तो शाम को कॉल में ले लेगा क्लास मेरी, तो उसका नाम रहने देते हैं महफिल में। धूल ही धूल है दोस्तों यहाँ पे आज, लगता है चश्मा लेना पड़ेगा एक और फिर ब्लॉग बढ़िया वाले बनेंगे। तो दोस्तों मैं अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ यहाँ से, आज सोचा था थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, दाढ़ी थोड़ी लंबी लग रही है, नहीं तो मेरा दोस्त बार बार शाम को बोलता है भाई तू दाढ़ियों को हाथ बहुत लगाता है आजकल, वो कौन समझाए उसको, दाढ़ी सुख और दुख दोनों देती है।
सूत्रधार संगीत अकेडमी म्यूजिक सीखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स कह सकते हैं कुल्लू में। तो दोस्तों अभी हम पहले बस स्टैंड जाएंगे यहाँ से और आराम से बस पकड़ के पहले यहाँ से हम चलेंगे बुंतर की ओर। बुंतर में थोड़ा सा काम है वो निपटाने के बाद फिर देखते हैं अगला प्लान शायद ऑफिस के लिए होगा। बस स्टैंड कुल्लू दोस्तों। तो ये दोस्तों नया बस स्टैंड कुल्लू का बना हुआ है, यहाँ पे खाने पीने का सामान स्टेशनरी मिल जाएगी। पहले हम यहाँ से चलते हैं बस पकड़ने के लिए। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से हमारे को बस नहीं मिलने वाली, ऊपर जाना पड़ेगा कॉलेज गेट के पास में, वहीं से बसें मिलेगी हमारे को। अरे यार आप बने के ये वाली बस तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है और हम यहाँ बैठेंगे अभी। अभी चलते हैं थोड़ा आगे भुंतर की ओर। फाइनली दोस्तों अभी हम भुंतर आ चुके हैं और पहले दोस्तों अपना काम करते हैं, उसके बाद आपका चलते हैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हम भुंतर में थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं आज नया मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये है भुंतर मार्केट आपकी। उस साइड से दोस्तों हम भी अभी आए थे और हम अभी चलेंगे भुंतर मार्केट में आगे। अभी दोस्तों आज हमें हमारे कुछ एक व्यूअर्स मिले थे, बैंक तक गए थे, वहाँ पर हमें कोई व्यूअर मिले गए, उन्होंने कहा था कि वो हमें देखते हैं यूट्यूब में, हमारी वीडियोस देखी होगी तो अच्छा लगा दोस्तों उनसे भी मिलके। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें देखा है कहीं, मैं मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमने आपको टीवी में देखा है। मैंने कहा इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो मैं हूँ नहीं, टीवी में आता हूँ। तो बाद में उन्होंने कहा कि हम यूट्यूब की वीडियोज़ को कनेक्ट करके टीवी में देखते हैं, कहा कि अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट मिल जाता, खुशी होती है ब्लॉग बनाने में। तो दोस्तों अभी भुंतर मार्केट में हैं हम और यहाँ पर दोस्तों पिछले कल काफ़ी क्राउड था, मतलब ये था कि आया था मैं दिन में बट यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी दोस्तों भुंतर में थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा, बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है, शायद इसको मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे। कैमरा क्वालिटी दोस्तों फ़ोन की अच्छी है इसलिए अच्छे ब्लॉग बनते हैं और लोग देखते हैं तो खुशी होती है कि चलो कोई तो ब्लॉग देख रहा है। मुझे तो लगता है मेरा ब्लॉग कोई देखता नहीं है, टाइम पास हो रहा है। ये दोस्तों भुंतर में शिव मंदिर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिठाई वाली मार्केट दोस्तों छोड़ते ही नहीं आओ, बताइए खासकर ये जलेबियाँ। और यहाँ से दोस्तों थोड़ा आगे निकलेंगे फिर उसका बस पकड़ के फिर अपना प्लान करते आगे का। यहाँ के दोस्तों हमारी बसें लगी होगी, धूप पड़ रही है सीधे कैमरे पे। भीड़ तो दोस्तों भुंतर मार्केट में ज़बरदस्त होती है।
दोस्तों धूप तो जबरदस्त है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से चलेंगे पहले हम ऊपर वाली मार्केट, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इनके दोस्तों आपके टेडी बियर वगैरह, लोकल मार्केट में घूमना भी दोस्तों ज़रूरी है। ये थोड़े दिन में अभी दिवाली की तैयारी होने वाली है, तो एक बनाएंगे ब्लॉग दोस्तों हम दिवाली पर भी। ये दोस्तों भुंतर में मंदिर बना हुआ है, यहाँ से नीचे दोस्तों एक मार्केट है, यहीं से आपको प्रभु के दर्शन करवा देते हैं। जय शंकर जय भोले। इसी में चलते हैं भाई लोग, सीटें तो है यहाँ पे, बैठ जाते हैं। जबरदस्त गर्मी दोस्तों, तो कुछ जगह ठंड भी है, कुछ जगह काम भी आ जाती है। ये सामने दोस्तों आपको बिजली ऑफिस के सामने दोस्तों, ये BSNL वालों का ऑफिस। यहाँ पे थोड़ा काम हमारे को, थोड़ा सिम वगैरह ठीक करवा लेते अपना। ये सामने दोस्तों आपका जिम वगैरह, यहाँ पे आप जा सकते हैं फिटनेस के लिए। और दोस्तों ये यहाँ से सामने बसें जा रही है अभी भुंतर से कुल्लू के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम बस का वेट करेंगे अभी, फिर चलते हैं ऑफिस की ओर। ये रास्ता दोस्तों सीधे नीचे भुंतर और मणिगढ़ साइड के लिए जाता है, और ये आपका सैनिक चौक भुंतर से, जो हमारा नॉर्मली आता है भुंतर से कुल्लू के लिए। दोस्तों BSNL ऑफिस वाला काम तो अभी हमारा हुआ नहीं, थोड़ा सर्वर का इशू है, पता नहीं क्या है वहाँ पे। चलते हैं अभी आगे ऑफिस का, देख लेते हैं क्या सीन चलता है वहाँ पे, कैसा चल रहा है काम को हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस वाले बंदे, फास्ट लोग कैसे काम करें। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बस से उतर के, अभी घर की ओर जा रहे हैं। बाकी थोड़ा सा दाढ़ी को थोड़ा छोटा कर देते, ट्रिम ट्रुम करके नया लुक लेकर आते हैं आपके लिए। शाम के समय दोस्तों यहाँ क्राउड काफी होता है, हम आपको यहाँ से नए रूट में लेके जाएंगे। तो आज का दिन दोस्तों ओवरऑल ठीक ही था, काम कुम ठीक था। शाम को पंकज भाई को तंग करेंगे कॉल करके, अरे यार ये दुकान तो बंद है भाई आगे, अरे यार वापिस जाना पड़ेगा भाई अब तो, शिट। अब दोस्तों नीचे बाजार साइड जाना पड़ेगा शिव शुभ करने, गाँव में शायद दुकान बंद है। आँख में दोस्तों कुछ चला गया था, हमने निकाल दिया। ये तो फ़ोन का कैमरा अच्छा, इसलिए फ्रंट के कैमरा से देख के हमने निकाल दिया, आँखों में कुछ घुस गया था यार। ये वाला रास्ता भी दोस्तों मार्केट की ओर चलता है, बाकी दोस्तों ये है कि आज का ऑलमोस्ट ठीक ही था दिन जो भी था। आज शहर बहुत ज़्यादा, पहले कुल्लू गए फिर कुल्लू से भुंतर आए, और शाम को ये एक्चुअल तो आवाज़ भी निकल नहीं रही है। ये दोस्तों तंग तंग गलियां, बचपन में जब हम स्कूल को जाया करते थे तो यही वो रास्ते हुआ करते थे, अब तो इन गलियों में दोस्तों बहुत ही काफ़ी टाइम बाद आना होता है, तो काफ़ी साले हो गई
टाइम टाइम का चीज़ें चेंज आती है। ये दोस्तों ये ऊपर वाली गली यहाँ पे मार्केट में निकल जाती है, यहाँ से आगे यहाँ पर अंदर बड़े मॉल साहब होंगे। आज दोस्तों पता नहीं शॉप्स बंद है, मार्केट में भी नहीं है। आज तो लगता है मुझे ये शिव शुभ वाला काम रहने वाला है। दोस्तों आपने देखा होगा वापस हम पूरी फिर भी उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम घूमकर ऊपर गए थे। ये रास्ते दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, घूमा फिरा के वहीं पहुँचा दिया। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम घर की ओर, और रोड की कंडीशन आपको मैंने बताई थी पहले कैसी चल रही है, अभी तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया थोड़े दिन से। तो दोस्तों मुझे लगता है ये ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बाद में अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉग में अच्छे से विजिबिलिटी नहीं होगी तो हम अच्छे से ये कवर नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ से ऊपर तो दोस्तों बढ़िया हो गया, अब चलने लायक तो हो गया, इतना तो ठीक है, इतने में चलेंगे। हाँ यार, ये ऊपर मशीन लगी हुई दोस्तों, यहाँ से काम चला हुआ। अच्छा मशीन लगी हुई यहाँ पे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, इससे पहले मैं आपको कैमरे में ना दिखूँ इतना अंधेरा हो जाए, इससे पहले इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहे, और मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन में इसके बाद। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।